और भी नई रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज़ किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज़ तुरंत। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर के छिलकों की सब्ज़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो मटर हरी, और इसको पहले हम सब छील के दाने इसके अलग कर लेंगे और इसके छिलकों को अलग संभाल के रख लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी मटर को मैंने छील लिया है और जो छिलके थे उसको मैंने वापस थैली में रख दिया है। अब इस थैली का हम मुंह बंद कर देंगे इस तरह से गांठ लगा के, और 2 दिन के लिए इसको हम इसी तरह रखा रहने देंगे। 2 दिन हो चुके हैं, अब थैली को खोलेंगे और इसमें से एक छिलका लेंगे और इसको जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको थोड़ा मोड़ते हुए इसको खींचना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इसकी पन्नी अलग हो रही है। लास्ट तक इस तरीके से इसको अलग रख देंगे। इसको हमने बांध के इसलिए रखा था, अगर हम ताजी मटर के छिलकों के अगर इसकी पन्नी हम निकालते तो वो आसानी से नहीं निकलती। 1-2 दिन रखने के बाद छिलके थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह से निकाला है। और देखें आप कितनी आसानी से बिल्कुल साबुत निकल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे से तोड़ दें, अगर आपके इतने साफ नहीं निकल रहे हैं, थोड़े छोटे निकल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको इतने पोर्शन को भी निकाल सकते हैं। सारे छिलकों को मैंने अच्छे से छील लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, आसानी से टूट रहे हैं ये। इसी तरह से तैयार कर लें। और लिया है मैंने 1 बड़ा आलू, इसको की लंबाई में कट कर लिया है इस तरीके से, और 1 प्याज है उसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड। जैसे ही रिफाइंड गर्म होने लगेगा इसमें डाल देंगे आलू के टुकड़े और प्याज, दोनों को साथ में डालकर भून लेंगे। प्याज हमारी भुनने लगी है और आलू भी हमारे आधे गल चुके हैं। अब थोड़े से इसको कर देंगे साइड में। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, दोनों को भून लेंगे और अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे मटर के छिलके, फिर एक बार मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार। एक बार फिर से चला लेंगे इसको और अब डालेंगे पानी 2 बड़े चम्मच। बस बहुत थोड़ा सा ही पानी डालना है हमें, क्योंकि इनमें से भी पानी निकलता है। अब गैस को कर देंगे हल्का और कढ़ाई पर लगा देंगे लेड। इसे 3 से 4 मिनट हम इसी तरह पकने देंगे और फिर चेक करेंगे। अब इसको चेक करके देखते हैं। थोड़े से ये गलने लगे हैं और आप देखेंगे इसमें जो हमने पानी डाला था वो भी खुशक होने लगा है। अब इसको चेक करते हैं गल गए कि नहीं। आलू तो हमारे गल चुके हैं और फलियां एक भाप में गल जाती हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अब गैस को कर देंगे तेज़ और हल्का सा इसको चटका लेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा पानी हो तो वो सूख जाए। इस तरीके से फैला फैला के आपने देखा कितनी आसानी से और कितनी झटपट बन गई। हमने इसमें ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं करे हैं, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा मसाले डालते हैं तो सब्ज़ी का अपना टेस्ट जो होता है वो खो जाता है कहीं। ये खाने में सब्ज़ी बहुत ही मीठी लगती है और बहुत ही टेस्टी होती है। बस जब भी आप कभी खाली बैठें तो इसके छिलकों को छील लें और फिर सब्ज़ी बना कर देखें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए, गैस को कर देंगे बंद। सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसका लिड लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम सर्व करें। सब्ज़ी हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको बना लिया। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ताजी अगर आप छिलके छीलेंगी तो वो पूरे साबुत फली नहीं निकलेगी जिस तरह से मैंने निकाली है। इसको 2 दिन के लिए आपको बांध के रख देना है और उसके बाद निकालेंगे इसके छिलके, तो आसानी से इसकी प्लास्टिक जो होती है वो निकल जाएगी। तो आप एक बार इसको ट्राई करें
और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।